सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल तिवारी एंड यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, यहां पर कल मैंने आपको इन्फॉर्म किया था फ्लिपकार्ट के फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल के बारे में, जिसका जो टीजर पेज है वो यहां पर फ्लिपकार्ट पे लाइव हो चुका है। उसके साथ दोस्तों कुछ ऑफर्स के भी बारे में मैंने आपको बताया था। और दोस्तों यहां पर आपको पता है परसों वाली जो मैं वीडियो बनाया था, जहां पर मैंने आपको एक्सपेक्टेड डेट वगैरह बताया था फ्लिपकार्ट और अमेजोन की सेल के बारे में, वहां पर मैंने आपको एक चीज कहा था, जैसे ही फ्लिपकार्ट की फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल ऑफिशियली कन्फर्म होती है, सेम उसी टाइम पे तुरंत अमेजोन की भी सेल है वो यहाँ पर कंफर्म कर दी जाएगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फ्लिपकार्ट और अमेजोन की बड़ी सेल को लेकर के इन दोनों ई कॉमर्स साइटों के बीच में काफी बड़ा कंपटीशन चल रहा है। दोस्तों सेम उसी चीज को देखते हुए अमेजोन पे भी उनकी जो बड़ी सेल है अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, वो यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है ऑफिशियली, और अमेजोन पे इसका जो टीजर पेज है वो भी लाइव हो चुका है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं इसी सेल के बारे में कि क्या कुछ ऑफर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, और उसके साथ दोस्तों आपके कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिसको मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। दोस्तों फाइनल वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके साथ दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो जो वीडियो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाए। दोस्तों अगर बात करूं यहां पर Amazon Great Indian Festival के बारे में, तो इसका जो टीजर पेज है वो Amazon पे लाइव हो चुका है, आप जाकर यहां पर देख भी सकते हैं। मैं यहां पर आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं, Amazon Great Indian Festival coming soon करके लिखा हुआ आ रहा है, यानी इसकी भी डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। अब यहां से भी आप कंपटीशन देख सकते होंगे। दोस्तों यहां पर फ्लिपकार्ट पे भी उनकी उनकी जो डेट है वो अभी तक कंफर्म नहीं कराई गई है, और इसके साथ अमेजोन पे भी जो सेल है वहां पर कमिंग सून करके ही लिखा आ रहा है। और दोस्तों यहां पर उम्मीद है कि इन दोनों ई कॉमर्स साइटों की जो बड़ी सेल है वो एक ही दिन से स्टार्ट होने वाली है, और हो सकता है कि जो सेल है वो यहां पर 29 सितंबर से स्टार्ट कर दी जाए। अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल की अभी ऑफिशियली कंफर्म डेट नहीं है, कंफर्म डेट यहां पर आ जाएगी, सेल तो हालांकि ऑफिशियली यहां पर आ ही गई है। तो दोस्तों अगर बात करता हूं यहां पर कुछ डिस्काउंट ऑफर के बारे में, बात करता हूं सबसे पहले कार्ड के बारे में, कौन कौन से कार्ड है जिन पे आपको यहां पर डिस्काउंट देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों अमेजोन का जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल है यहां पर सिर्फ और सिर्फ अभी तक एक कार्ड ही शो किया गया है, जो कि है दोस्तों HDFC का क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको यहां पर इस सेल में देखने के लिए मिल जाएगा, जितने भी प्रोडक्ट इस सेल में रहेंगे उन पर। उसके बाद दोस्तों अगर बात करता हूं यहां पर ऑफर्स के बारे में, तो जितने भी यहां पर बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन्स हैं अमेजोन के ऊपर उन पे आपको यहां पर डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली अगर हम बात करें रेडमी के स्मार्टफोन्स और सैमसंग के स्मार्टफोन और इसके साथ वन प्लस के स्मार्टफोन, तो इस पे आपको भयंकर वाला जो डिस्काउंट है वो इस सेल में देखने के लिए मिलने वाला है। तो यहां पर Redmi की Note 9 सीरीज को पहले ही हाईलाइट कर दिया गया है कि आपको Redmi के Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro एंड Redmi Note 9, इन तीनों स्मार्टफोन पे काफी अच्छा जो डिस्काउंट है वो देखने के लिए मिल जाएगा, और उम्मीद है कि आपको 10% का जो डिस्काउंट है वो यहां पर इन स्मार्टफोन पे देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर जो Samsung के बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन जैसे Samsung Galaxy M21 वगैरह, जो कि आप लोग पूछ भी रहे थे, उसके साथ Samsung के जो नए स्मार्टफोन है उन पे भी आपको यहां पर डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। OnePlus के भी स्मार्टफोन पे आपको काफी हद तक यहां पर डिस्काउंट और प्राइस कट दोनों भी देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर अगर आप एक लैपटॉप खरीदना चाहते होंगे, अगर आप एक ईयरफोन वगैरह खरीदना चाहते होंगे, उसके साथ अगर आप टीवी खरीदना चाहते होंगे, रेफ्रिजरेटर, उसके साथ एसी, तो इन सब चीजों पे भी आपको यहां पर काफी हद तक भयंकर वाला डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा, और यहां पर क्लॉथ वगैरह पे भी आपको यहां पर डिस्काउंट दिया गया है। तो दोस्तों ये तो पूरी डिटेल है यहाँ पर इस सेल के बारे में। अब आपसे बात कर लेता हूँ यहाँ पर आपके पूछे गए कुछ क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने पूछा है कि जो Redmi का Note 8 स्मार्टफोन है, इस स्मार्टफोन में हमें डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और क्या ये जो स्मार्टफोन है वो Amazon की इस ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में हमें कुछ 9,999 रुपए का देखने के लिए मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो स्टार्टिंग में 9,999 रुपए ही थी। तो दोस्तों जहां तक मुझे लगता है कि ये जो स्मार्टफोन है इस पे आपको यहां पर डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा, Redmi के Note 8 और Redmi Note 8 Pro दोनों स्मार्टफोन्स पे। हालांकि ये स्मार्टफोन इतने पुराने हो चुके हैं तो लेने का उतना कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इस प्राइस रेंज में और भी काफी सारे अच्छे स्मार्टफोन्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों 9,999 रुपए में मिलना थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन यहां पर आपको 10% का जो डिस्काउंट है वो देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको प्राइस कट भी देखने के लिए मिल जाएगा। आप देखते हैं अभी तक जो विश लिस्ट है वो अनाउंस नहीं की गई, जो प्राइस कट लिस्ट है वो अनाउंस नहीं की गई है, जैसे लिस्ट वगैरह आती है आपको यहां पर इन्फॉर्म करूंगा। उसके साथ दोस्तों यहां पर आप लोग पूछ रहे थे कि Redmi 9 Prime जो स्मार्टफोन है इस पे हमें डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो हां Redmi 9 Prime जो स्मार्टफोन है इस पे आपको कार्ड पे HDFC के कार्ड पे 10% का जो डिस्काउंट है वो देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन प्राइस कट होना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये एक नया स्मार्टफोन है और अभी बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन है। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन पे भी आपको 1,000 रुपए का जो इंस्टेंट डिस्काउंट है वो इस सेल में देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे आप इस स्मार्टफोन को कुछ 9,000 रुपए की प्राइसिंग पे खरीद पाएंगे। तो जो स्मार्टफोन है काफी बेस्ट है, अगर आपको डिस्काउंट मिलता है और अगर आप
आपको इस प्राइस में एक स्मार्टफोन को लेना है तो आप इस स्मार्टफोन को जाकर के खरीद सकते हैं। दोस्तों ये थे कुछ डिटेल यहाँ पर अमेजोन की इस बड़ी सेल के बारे में। अब आप यहाँ पर दोस्तों इस सेल में कौन से प्रोडक्ट या फिर कौन से स्मार्टफोन को लेने के लिए एक्साइटेड हैं और आपके पास HDFC का डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड है या फिर नहीं है, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता दीजिएगा। फाइन दोस्तों, इस वीडियो में आशा करता हूँ छोटी जानकारी समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।